में सपा रैली के दौरान महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनादर करने और उन्हें अपमानित करने के मामले में राजपूत समाज में भारी उबाल है, जिसके चलते अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पहले तो राजपूत समाज के लोगों ने उन्हें नमन किया और फिर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और महाराणा प्रताप अमर रहे का उद्घोष भी किया। प्रदर्शनकारी राजपूत समाज ने आरोपी सपा नेताओं पर कड़ी कार्यवाही करने और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में सपा की मान्यता तक समाप्त करने की मांग पर जोर शोर से उठाई है। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ अखिलवादी क्षत्रिय महासभा का और आज हम यहाँ मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान किया गया है उसके लिए हम ज्ञापन देना है डीएम साहब को कि उनके प्रति विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और इनका मान्यता चुनाव आयोग से रद्द की जाए। इन्होंने राष्ट्र नायक का अपमान किया है। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ क्या घटना घटित हुई है? उनके साथ उनके जूते चप्पल लेके उनके ऊपर चढ़ गए वो मूर्ति के ऊपर और क्या कहते हैं समाजवादी झंडे लगा दिए। वो किसी एक पार्टी के नहीं, वो राष्ट्र के हैं उन पर और उन्हें गालियाँ दी हैं वहाँ उन लोगों ने और हमारा ये वो है कि उन पर कभी कड़ी कार्रवाई करी जाए और उनकी सदस्यता खत्म की जाए पार्टी की और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष व शारीरिक तौर पर माफ़ी मांगा। महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के पैर छूकर सब पूरे क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगे शारीरिक रूप से। आज कलेक्ट्रेट पे क्या प्रोग्राम है आपका? आज कलेक्ट्रेट डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है।